सो गाइज, मैं अपने सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ जिससे कि बैकग्राउंड और PNG डाउनलोड होता है। तो उस लिंक से बहुत कोई डाउनलोड नहीं कर पाते हो, पूछते रहते हो कि कैसे डाउनलोड करना है बैकग्राउंड और PNG। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा कि बैकग्राउंड और PNG कैसे डाउनलोड करना है। सो गाइज, इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। और साइड में एक बेल का आइकॉन भी आता है, तो इस बेल के आइकॉन को क्लिक कर लेना और ऊपर में आल के ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं यूट्यूब में चला जाऊंगा। तो यहां पर मैं, ये मेरा चैनल है, तो यहां पर मैं वीडियोस में चला जाऊंगा जिसमें बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो बहुत सारा वीडियोस है। तो यहाँ पर सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, बैकग्राउंड डाउनलोड नाउ करके लिखा भी है उसमें। तो बहुत लोग जो है डाउनलोड नहीं कर पाते हो, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लाइव इंस्टाग्राम कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है वीडियो प्ले हो रहा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है। तो डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए यहाँ पर टाइटल के बगल में, यहाँ पर यूट्यूब का टाइटल लिखा है ना, जैसे लाइव इंस्टाग्राम कॉन्सेप्ट लिखा है, उसके बगल में एक एरो टाइप का आइकॉन बनता है। तो इस एरो के आइकॉन को जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा भी है बैकग्राउंड एंड PNG डाउनलोड लिंक, तो इसी लिंक को जो है क्लिक करना है। तो HTTPS कुछ लिखा होगा, तो लिंक होगा, तो उसे क्लिक कर लेना और कोई से भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना। मैं जो है गूगल क्रोम का यूज करता हूँ, तो गूगल क्रोम जो है सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर गूगल क्रोम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये ओपन हो रहा है। तो कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में जो है नीचे में चले जाना है, तो यहाँ पर स्क्रॉल करना, कुछ इस टाइप से नीचे चले जाना है। तो इस पेज में बाकी ऐप्स का भी डाउनलोड लिंक है, जैसे कि काइनमास्टर, पिक्सआर्ट, लाइटरूम, ये सब भी लिंक मिल जाएगा। तो इसी में डाउनलोड कर सकते हो, कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। तो बैकग्राउंड डाउनलोड करना है अभी, तो यहाँ पर नीचे में चले जाना है। तो यहाँ पर सबसे नीचे में चले जाएंगे, तो नीचे में चले जाना, स्क्रॉल करते रहना इसे। सो गाइस, सबसे पहले तो नीचे चले जाना, इसके बाद यहाँ पर लिखा होगा बैकग्राउंड डाउनलोड नाउ, तो सभी में ऐसा ही लिखा होगा बैकग्राउंड डाउनलोड नाउ, और सभी में सेम स्टेप है, ऐसा ही करना है डाउनलोड। तो देख लो यहाँ पर बैकग्राउंड डाउनलोड नाउ लिखा है, इसी को क्लिक करना है। तो क्लिक कर देना यहाँ पर, तो इसे क्लिक कर देना और कोई सा भी ब्राउज़र सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो मोर में क्लिक करके जो है ब्राउज़र को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सो गाइस, इस टाइप का कोई सा भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना जिसमें से गूगल ड्राइव का पेज ओपन होगा। तो कोई सा भी ब्राउज़र सेलेक्ट करना और यहाँ पर गूगल ड्राइव का पेज कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा, जिसमें सभी PNG और बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही इजी था, कुछ इस टाइप का। अब इसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करना है तो ऐसे क्लिक करना, बारी बारी से सभी को क्लिक करना, जैसे कि मैं इसे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर ऊपर में एक आइकॉन बन रहा होगा डाउनलोड का, इस आइकॉन को जो है क्लिक करना, जिससे कि डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और मैं दूसरा दिखा देता हूँ, तो कुछ इस टाइप से इसे भी क्लिक कर लिया और ऊपर में आइकॉन बन रहा है। तो बारी बारी से सभी को कर लेना, समझ गए होगे कैसे डाउनलोड करना है बैकग्राउंड और PNG सब। सो गाइस, बहुत ही इजी है इस टाइप से बैकग्राउंड डाउनलोड करना, बस डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही डाउनलोड करना, या तो फिर डायरेक्ट theartyworld.com सर्च कर सकते हो गूगल में, उससे भी आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना। और यहाँ पर दो वीडियो देखने को मिल रहा होगा, दोनों एडिटिंग होगा, तो दोनों में से कोई एक को क्लिक करके देख सकते हो। और सेंटर में जो है चैनल का आइकॉन है, तो चैनल के आइकॉन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।